पाकिस्तान के कैपिटल सिटी के एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऐसे एक यूनिवर्सिटी में एक साइंस का स्टूडेंट ऐसे ही कैसे गायब हो जाता है और उसको हिंदुस्तान के जितने टॉप मोस्ट एजेंसीज हो सकती हैं ढूंढ नहीं सकती हैं। तो ऐसे एक हिंदुस्तान जैसे एक 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 लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में वाजिब बनता है कि हम ये सवाल बार बार उठाएं कि वेयर इज़ नजीब। ये फियर को हटाने के लिए मास दिए हैं, ये मास दिए हैं कि इस कैंपस में जो मुस्लिम एक अकेला पड़ गया था उस टाइम, रात को मार हुआ और सुबह गायब हो गया, ये सिचुएशन ना होना चाहिए। सीबीआई भी क्यों क्लोज कर दिया, ये नहीं कि बिकॉज देर जस्ट इनकॉम्पिटेंट, आई डोंट थिंक देर इनकॉम्पिटेंट, देर इनकॉम्पिटेंट बिकॉज देर इस्लामोफोबिक, बिकॉज देर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट मुस्लिम्स आर ह्यूमन एंड दैट दे डिजर्व जस्टिस। For the ordinary student, university aana is limited to studies or parties. But as Muslims, as marginalized students, हमारे concerns तो उससे भी ज़्यादा हैं. It's a battle for survival every day. नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आज एक मार्च निकाला गया है नजीब अहमद को याद करते हुए। नजीब वही छात्र हैं जो अक्टूबर 2016 में विश्वविद्यालय के अंदर से लापता हो गए थे। उनका अभी तक कोई भी अता पता नहीं है। उनको गायब हुए, उनको लापता हुए 5 साल हो गए हैं। इसी को लेकर के आज छात्रों ने यहाँ पर मार्च निकाला है। छात्रों का ये कहना है कि वो ये मार्च इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अब इस कैंपस के अंदर कोई भी बच्चा अपने आप को अकेला ना पाए, कोई भी दूसरा नजीब इस विश्वविद्यालय से ना बनने पाए, इसलिए ये मार्च निकाल रहे हैं। हम छात्रों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस मार्च के पीछे और क्या चीज़ें हैं जो वो कहना चाहते हैं। आज इस मार्च का यही ऑब्जेक्टिव है कि हम अपना प्रेजेंस असर्ट करें और हम याद दिलाएं इस कैंपस को कि ऐसा जो हुआ है वो फिर कभी ना हो। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जिस तरीके से नजीब को गायब किया गया था फोर्सिबली, और गायब ही नहीं किया था, अलग अलग तरीके की वायलेंस हुई थी जब वो गायब हुए थे, उनके उसके बाद भी जिस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ पेश आया गया था, जिस तरीके से स्टूडेंट्स जो लड़ रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह एक केस भी रजिस्टर हो जाए, किसी तरह की कोई रिकग्निशन भी हो कि एक घटना हुई है, क्योंकि जिस समय ये इंसिडेंट हुआ, जिस समय नजीब गायब हुए, उसके बाद एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट था कि टू प्रूव के देयर वाज नो क्राइम दैट टुक प्लेस। जब नजीब गायब किया गया था, नजीब को 15 अक्टूबर की सुबह को, उसके 3 दिन के बाद में इस कैंपस में एक स्लोगन गूंज रहा था कि 3 दिन से नजीब है गायब, कौन है इसका ज़िम्मेदार। और ये जो नारा जो है कंटिन्यू हुआ, 7 दिन हो गए, 7 दिन के बाद भी ये नारा गूंजा, अब 5 साल हो गए, 5 साल के बाद भी ये नारा उसी तरह से गूंज रहा है। और उस हैसियत से ये जो मार्च है, सिर्फ ये नहीं है कि हम एक विक्टिमहुड को बता रहे हैं, बल्कि ये बता रहे हैं कि इस कैंपस में ये सवाल बार बार उठेगा कि हिंदुस्तान के कैपिटल सिटी के एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ऐसे एक यूनिवर्सिटी में एक साइंस का स्टूडेंट ऐसे ही कैसे गायब हो जाता है और उसको हिंदुस्तान के जितने टॉप मोस्ट एजेंसीज हो सकती हैं ढूंढ नहीं सकती हैं। तो ऐसे एक हिंदुस्तान जैसे एक 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 लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में वाजिब बनता है कि हम ये सवाल बार बार उठाएं कि वेयर इज़ नजीब, जस्टिस फॉर नजीब, ब्रिंग बैक नजीब। ये 3 सवालात हैं जो हम बार बार उठाना चाहते हैं। नजीब पर जिस वजह से हमला हुआ था, those reasons were always obscured. उनका एक्सपीरियंस ऑफ वायलेंस, डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ पे विटनेसेस थे जिन्होंने विटनेस किया, वो कम्प्लीटली इरेज करने की कोशिश की गई थी। और ये कोशिश सिर्फ EBP ने की थी, ये मीडिया ने भी की थी, ये JNU एडमिनिस्ट्रेशन ने भी की थी, और ये JNU SU ने भी की थी, जिस तरीके से उन्होंने लेटर साइन किए थे एट्सेट्रा। सो इससे हम यही प्रूव करना चाह रहे हैं कि वी डोंट वॉन्ट अनदर नजीब इन कैंपस। और ये जो मार्च दिया जाता है 14 अक्टूबर को, इसलिए दिया जाता है कि 14 अक्टूबर जो है उसी दिन नजीब को मार पड़ा था ABEP की तरफ से। और ये मार के पीछे आपको पता है, मतलब ये कोई छुपा हुआ रहस्य भी तो नहीं है कि ABEP ने मारा था, बस ये रहस्य बन के रह गया CBI के लिए या फिर हमारे सरकार के लिए। वो कभी जो पेगासस का ज़माना चल रहा है उसमें वो फ़ोन को क्रैक नहीं कर पाए, फ़ोन का पासवर्ड को क्रैक नहीं कर पाए जो कल्प्रिट थे। तो हम ये जो मार्च दिए सरकार के ख़िलाफ़ दिए हैं, ये मार्च जो ABEP के ख़िलाफ़ दिए, और बाकी वो सारे शख्स तो नजीब के गायब होने में, हम तो गायब नहीं बोलेंगे, नजीब को इन्फोर्स गायब किया गया है, वो गायब के पीछे जितने भी शख्स रहे जिसमें एक JNU SU भी हिस्सा रहा है, उनके खिलाफ़ ये मार्च दिए गए हैं।
पिछले साल 2020-21 की जो एनुअल रिपोर्ट आई है उसके अंदर मुसलमानों का जो पार्टिसिपेशन है टोटल एनरोलमेंट का सिर्फ 5.2% है, वो आदिवासियों से मतलब फ्रैक्शन थोड़ा कम है। और इक्विटी की बात करेंगे तो माइनॉरिटीज़ का पार्टिसिपेशन बहुत ही मिनिस्क्यूल है, और उसमें एक बच्चा आ रहा है, एक स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी में, और उसको गायब कर दिया जा रहा है, और 5 साल के बाद में अगर नहीं मिल रहा है तो हम ये सवाल हर साल हर बार ये कंटिन्यूसली पूछते रहेंगे जब तक कि हमको ये बताना दे यहाँ के जितने भी एजेंसीज नजीब के साथ में आखिर हुआ क्या है, नजीब को वापस लाइए, ये सवाल बार बार उठाते रहेंगे। जिस तरीके से एक ट्रैजेक्टरी शुरू हुई है नजीब के गायब होने के बाद, जिस तरीके से स्टूडेंट्स मुस्लिम स्टूडेंट्स को कैंपस में ढूंढा जाता है, जब भी कोई अटैक होता है, जब जिस तरीके से 5 जनवरी को अटैक हुआ था उसमें मुस्लिम्स और कश्मीरी मुस्लिम स्पेशली के रूम्स ढूंढे गए थे कि यहाँ यहाँ जाके हम अटैक करेंगे, और काफ़ी स्टूडेंट्स को थ्रेट्स भी मिलते हैं कि तुम्हें तो नजीब की तरह गायब कर देंगे। तो तो यही बात है कि CBI भी क्यों क्लोज कर दिया, ये नहीं कि बिकॉज दे जस्ट इनकॉम्पिटेंट, आई डोंट थिंक दे इनकॉम्पिटेंट, आई थिंक बिकॉज दे डोंट हैव द टेक्निकल यू नो नॉलेज आई थिंक दे इनकॉम्पिटेंट बिकॉज देर इस्लामोफोबिक, बिकॉज दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट मुस्लिम्स आर ह्यूमन एंड दैट दे डिजर्व जस्टिस। ये जो फियर है ये जैसे कि नजीब जिस दिन गायब हुआ था तभी कन्हैया कुमार ने एक ऑल ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग बुलाया गया था, उसमें नजीब का मतलब नजीब को ढूंढने का बात तो अलग है, एक बात पर अटक गए थे लोग कि हम बात रखें कि मुसलमान स्टूडेंट गायब हुआ है या फिर JNU का स्टूडेंट, तो कन्हैया कुमार बोल लेते नहीं JNU का स्टूडेंट गायब हुआ है, ये सारा स्टूडेंट का इशू है। तो देखा जाए तो ये अगर JNU का स्टूडेंट का इशू है तो क्या JNU के सारे स्टूडेंट ये फियर में रहते हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि नजीब जो है वो एक OBC मुस्लिम है, OBC रिजर्वेशन आने के बाद इस कैंपस में बहुत मुसलमान स्टूडेंट आए हैं और बाकी जो OBC कम्युनिटी से जो नॉन मुस्लिम से वो भी आए हैं, और ये कैंपस को रिजर्वेशन लगने के बाद ही पॉलिटिकली एक्टिव होके बहुत सारे समुदाय से स्टूडेंट आए हैं जो इस कैंपस को शायद सपने भी नहीं देख सकते थे। तो ये जो 5 जनवरी हुआ, नजीब का इन्फोर्स डिसअपीयरेंस हुआ, उसके बाद डेफिनेटली यहाँ के जितने भी मार्जिनलाइज स्टूडेंट है वो मुस्लिम्स हो जाए, यहाँ के बहुजन के डिफरेंट कास्ट के जो स्टूडेंट हो जाए या जो ट्राइबल स्टूडेंट हो जाए वो इस फियर में तो डेफिनेटली रहे हैं। लेकिन ये फियर का मामला, हम ये फियर के लिए मार्च नहीं दिए हैं, ये फियर को हटाने के लिए मार्च दिए हैं। ये मार्च दिए हैं कि इस कैंपस में जो मुस्लिम एक अकेला पड़ गया था उस टाइम, रात को मार हुआ और सुबह गायब हो गया, इस ये सिचुएशन ना होना चाहिए। ये अपने आप में जो मौजूदा जो हुकूमत है और जो भी आगे हुकूमत आएंगी, पीछे हुकूमतें किए हैं जिन्होंने भी, उन पे सवाल है कि आपने किस तरह का एक सिस्टम यहाँ पर क्रिएट किया है कि हर साल हमको आकर यहाँ पर सवाल उठाना पड़ रहा है एक स्टूडेंट के जस्टिस के लिए, उसके पेरेंट्स के जस्टिस के लिए, उसको ढूंढ के लाने के लिए। प्रशासन से जवाब अभी सवाल करना ही हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या सवाल करें। 5 साल से जब प्रशासन से हम सवाल किए तो इस शुरुआत से ही प्रशासन हाथ उठा के बैठ गया, हाथ तो नहीं उठाया, प्रशासन साथ दिया, जो कल्प्रिट से जो गायब किए हैं नजीब को प्रशासन उनका साथ दिया, CBI उनका साथ दिया, JNU जो नजीब को बोला कि ये भी हमले में शामिल है, और JNU से बोला कि नजीब मेंटली इल है जिसका उसका गायब के साथ कोई लिंक है, हमें समझ नहीं आया था कैसे एक मेंटली इल का खुद का गायब के साथ कैसे लिंक हो सकता है। तो ये हमें समझ नहीं आ रहा कि JNU और जो प्रशासन है या जो CBI है जो एक फ़ोन का पासवर्ड क्रैक नहीं कर पाता, और 2 साल पहले CBI ने केस भी क्लोज कर लिया। अम्मी भी इस बार दिल्ली नहीं आ पाई, अम्मी हर साल JNU आती है लेकिन इस बार नहीं आ पाई, बस अम्मी एक बात बोलती है कि मुझे नजीब और मिलेगा ये तो उम्मीद नहीं है, लेकिन ये उम्मीद है कि नजीब कोई भी देश के कोने में होगा या फिर कोई भी दुनिया के कोने में होगा, एक बार फ़ोन करके बता दे कि अम्मी मैं सही सलामत हूँ। हेलो, इस देश में मतलब बींग मुस्लिम अगर ये मैं बात बोलूँ, हर दिन हमारा ऐसा होता है कि एक सर्वाइवल का सवाल है कि मेट्रो से आते हैं कि क्या मुझे मेरी मतलब आइडेंटिटी पे कोई सवाल करेगा, या अभी तो अच्छा है कि हम मास्क पहनते हैं वरना हमारी दाढ़ी दिख जाएगी, दाढ़ी पे कोई सवाल करे, या इस तरह के बहुत सारे सिंबल्स हैं जिस पे सवाल हो। मतलब मुस्लिम मर्दों के लिए तो मतलब एक बहुत ही एक छोटा सवाल हो सकता है, लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए मुस्लिम जो औरतें हैं जो हिजाब पहन के आती हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं। तो लेकिन हम लोगों ने मतलब एक एटलीस्ट मेरे इंडिविजुअल लेवल पे ये रिजॉल्व किया है
जो भी चैलेंजेस हैं वो फेस करेंगे। इस हमको यहाँ रहना है, सर्वाइव करना है। इट्स जस्ट लाइक ए टेस्ट क्रिकेट, आपको आखिरी दिन तक सर्वाइव करना पड़ेगा। आखिरी दिन में आपको पता चलेगा कि मतलब आप ये मैच ड्रॉ कर पाएंगे या विन करेंगे। तो विन इन द सेंस मतलब ये है कि हमारे एस्पिरेशन से, हमारे पेरेंट्स के एस्पिरेशन से, हमारे एजुकेशन को लेकर, और हम हमारे सोसाइटी में, हमारे पूरे मतलब मैं एक विलेज से आता हूँ कर्नाटका के, वहाँ से हम फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं। हमारे घर में कोई नहीं है जो मास्टर्स तक आया है, तो उनके लिए सेलिब्रेशन है। तो हम उसको उनके जो ड्रीम से और हमारे जो ड्रीम से उनको ये करना है, तो उसके लिए हमको 5 दिन का मैच में खड़े रहना है। ये एक रिमाइंडर भी है यूनिवर्सिटीज़ को और दिल्ली और इंडिया के प्रोग्रेसिव सेक्शंस को कि जो सिस्टम है वही इस्लामोफोबिक है। और इस्लामोफोबिया कुछ इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस से नहीं है, कुछ एक रायट्स एग्जैक्ट या प्रोग्राम से नहीं जुड़ा है सिर्फ। ये इस्लामोफोबिया है जो हम यूनिवर्सिटी आते हैं उसके बाद भी हम पढ़ने नहीं जाते हैं, एंड इट्स अ फाइट ऑफ सर्वाइवल फॉर अस। फॉर द ऑर्डिनरी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी आना इज़ लिमिटेड टू स्टडीज़ और पार्टीज़, बट एज मुस्लिम्स, एज मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट्स, हमारे कंसर्न्स तो इससे भी ज़्यादा हैं। इट्स अ बैटल फॉर सर्वाइवल एवरी डे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।